अच्छे और मजेदार न्यूज हिंदी में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रहे बेल आइकॉन को दबा दीजिए। सतर्कता विभाग को उड़ीसा में केंद्रपाड़ा जिले की एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पास से 2 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली है। सतर्कता विभाग के अधिकारियों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पास आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति होने की शिकायत मिली थी। इसी आधार पर विभाग ने कई स्थानों पर तलाशी ली। अधिकारियों ने तलाशी और छापेमारी के दौरान 1.7 करोड़ रुपए कीमत के 13 भूखंड और कार्यकर्ता के पति के नाम पर 25 लाख रुपए कीमत के एक एक मकान का पता चला। कार्यकर्ता और उनके परिजनों के नाम पर 18 पॉलिसी हैं, जिनकी कीमत 14,97,701 रुपए है। उनके पास 5,51,745 रुपए कीमत की एक वैन भी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने 2008 में 4,500 रुपए मासिक वेतन पर काम शुरू किया। उसको फिलहाल 6,500 रुपए मासिक वेतन मिलता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपने सुझाव दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।